नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो यहाँ पर आज डेट है 3 फरवरी और आज जो है वो BIS परमार यूनिवर्सिटी के जितने भी रिमेनिंग पोस्ट कोड थे उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट कोड का रिजल्ट आया है, जिनमें से हम देख सकते हैं असिस्टेंट का है, पब्लिकेशन असिस्टेंट का, ड्राउटमैन का है, टेक्नीशियन असिस्टेंट का है, ड्राइवर डेली बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है और बाकी भी सो ऑन है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, दैट इज़ पोस्ट कोड 206। तो उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो ये रही लिस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 206 की। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। और अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें कि कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स में बैठे थे, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे लगभग 3033 बच्चे जो है वो रिटन एग्ज़ाम दिया था। सभी का रिजल्ट आ गया है, भले ही किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं या कम हैं। इसमें आप देख सकते हो बच्चों का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव टिक मार्किंग थी और एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ था। अगर बात करें पोस्ट कोड 903 और 817 का जो एग्ज़ाम था उससे भी काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा पूछा गया था और CPU शेड्यूलिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल पर पूछी गई थी। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट और जो रिटन एग्ज़ाम में जो भी बच्चे मेरिट में आए हैं उनका जो है वो रिज़ल्ट अभी तक नहीं बना है। तो अगर आपके मार्क्स 35+ हैं तो आप फर्दर अपने टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग हमें देखने को मिल सकती है विद इन 3 और 4th वीक ऑफ रिज़ल्ट आउट। तो बाकी पोस्ट कोड का भी आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। ये वाली PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।